आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 ML अग्रवाल मैथ्स क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। 7 हमारा ए प्लस बी इक्वल टू 4 एंड ए बी इक्वल टू माइनस 12। फाइंड ए माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां पर जो है वो हमें ये मालूम है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब a प्लस बी की हमें वैल्यू दी हुई है, उसकी जगह रखकर हम 4 का स्क्वायर कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे ही नोट कर लेंगे और 2 मल्टीप्लाइड बाई ए बी हमें माइनस 12 दिया होगा, वैल्यू पुटअप कर देंगे 16 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 24 हो जाएगा, ट्रांसपोज होके इधर आ जाएगा 16 प्लस 24 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 40 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास 40 जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है यहाँ पे ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 40 रख सकते हैं। ठीक है, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 12। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40 माइनस माइनस प्लस 12 टू जा 24। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 और इस पे अगर मैं रूट लगा दूं तो ए माइनस बी इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो पहला पार्ट यहां पर सॉल्व हो गया हमारा, ए माइनस बी की वैल्यू जो है वो 8 आ गई और ये इसका आंसर हो गया। सबसे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लेंगे, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पुटअप करेंगे और अंडर रूट लगा के इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब आता है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में यहां पर कर देता हूं, सेकेंड पार्ट में क्या करना है हमने कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है। अब ये किसके इक्वल होता है, ये आइडेंटिटी हमारी ए प्लस बी और ए माइनस बी होती है ना ये वाली। अब a प्लस बी हमें दिया हुआ 4, ठीक है, और a माइनस बी हमने निकाला है अभी 8। ठीक है, तो 4 इंटू 8 करेंगे और यहां पे 32 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी की जगह 4 और a माइनस बी की जगह 8 रखेंगे तो 4 8 जा 32 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से एक 8 आ गया और एक पार्ट 32 आ गया और हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।